वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख रहे हैं फ्रेंड्स, आरआरबी जेई स्टेप टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आरआरबी जेई फॉर्म फिल कैसे करें। तो हाँ फ्रेंड्स, आपका जो आरआरबी जेई का आज से जो एक्टिव होना था लिंक आप फिल करने का, फॉर्म फिल करने का, वो एक्टिव हो गया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से जाकर वो फिल कर सकते हैं। लेकिन आइए उसके पहले हम लोग देखते हैं प्रोसेस, क्योंकि आप लोग फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना करें इसीलिए मैं प्रोसेस को बता रहा हूं। और इस वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और जो भी आपके जो बचे हुए चीज हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको पहले ही फॉर्म फिल करने से पहले ही डाउट को खत्म कर लें। और एक बार मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोग नोटिफिकेशन को फिर से अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिल करते, चलो मैं आगे बताऊंगा ही। तो इस वीडियो को फ्रेंड देखें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरों का भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अभी हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरआरबी जेई का हर एक मैं आपका स्टडी प्लान भी बताऊंगा, आपको मैं तैयारी भी करवाऊंगा। और फेसबुक पेज पे हमारे को आप जो है वो उसको लाइक कर लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। आपके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपके टेलीग्राम के दिए हुए हैं, आरआरबी जेई के लिए स्पेशल जो बनाया गया है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, देख लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, जहां पे काफी लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है आप किसी भी रेलवे के साइट पे जाइएगा, और आप जैसे कि मैंने जो इलाहाबाद का है उसका वेबसाइट देख रहे होंगे, आप लोग खोले होंगे, यहाँ पे आरआरबी करके डालेंगे उसको आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे दो दिया हुआ है, तो इस लिंक को क्लिक हियर टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा कुछ इस तरह से, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये डिटेल दिया हुआ होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर कैसे करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो डीओपीटी है, डीएमएस, सीएमए, ये सब यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए भी दिया है, वैकेंसी टेबल भी दिया है, यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया है, और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन जो डाउट होते हैं वो उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले लेकिन इस बार इसमें क्या करना है, जैसे कि एलपी में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार आरआरबी में आपको क्या करना है जेई के लिए कि आपको सबसे पहले जोन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके जोन दिए गए हैं अल्फाबेटिकल नंबर से, तो मान लो कि आप बेंगलोर जोन सेलेक्ट करना चाहते हो तो पूरा कंफर्म हो जाओ, उसके पहले सीट देख लो कि हाँ उसमें है आपके लिए, जो आप जिस ग्रुप से फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो मैंने चलो इलाहाबाद लेकर आपको मैं दिखाया हूँ, क्योंकि बहुत ही फेमस ग्रुप है ये। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उस तरह से आया आपको, यू हैव सेलेक्टेड आरआरबी इलाहाबाद एज योर आरआरबी, यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई आरआरबी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। देखो, आप एक बार अपने ओरिजिनल मोबाइल नंबर से और आपको ईमेल आईडी से रजिस्टर कर दोगे तो आप चेंज नहीं कर सकते आरआरबी को। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया इलाहाबाद, तो आपका इलाहाबाद ही रहेगा। और यहाँ पे है यू आर एडवाइज टू विजिट द वैकेंसी टेबल। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करना कि आगे कंफर्म करने से पहले एक बार वैकेंसी टेबल को देख लेना, उसके बाद ही कंफर्म करना, ठीक है। वैकेंसी टेबल में आप देख लेना कि कौन कौन से कितने वैकेंसी है, जैसे कि मैं चलो इसके दिखाता हूँ कैसे मैंने। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया उस पर वैकेंसी टेबल पे, तो ये खुल कर आया फ्रेंड्स, और नीचे इसको स्क्रॉल करोगे, देख रहे आप लोग स्क्रॉल बार है, मैं पूरा नहीं ले पाया हूँ, तो इसको स्क्रॉल करोगे तो हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी केवल सिविल का ही दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ग्रुप का दिखा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, जैसे यहाँ कंफर्म करोगे तो उसके बाद कुछ डिटेल्स दिए होंगे, आपको दिखा रहा होगा कि सिलेक्टेड आरआरबी जो है वो इलाहाबाद है। डिटेल्स में आपको डेट्स भी दिए होंगे, ओपनिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन आपका दे दिया गया है यहाँ पे, क्लोजिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 31 है, और क्लोजिंग डेट टाइम फॉर सबमिशन ऑन एप्लीकेशन आपका 7 दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए दिया गया है, देखो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप 5 को कर सकते हैं 5 फरवरी तक, SBI बैंक चलान से आप 4 तक कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप 4 तक उनको भेज दें, और टाइम भी दिया गया है सभी का, यहाँ पे देख लेना। तो इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका ये सिलेक्टेड दिखाएगा, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार मार्क लगा हुआ है, आपको दिखाएगा कि इलाहाबाद आपने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका देख रहे होंगे रेड कलर से आपका स्टार मार्क्स लगा हुआ है। यहाँ पे फिर से आप अपना री एंटर करेंगे नाम को, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जितना भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग करेंगे। आधार कार्ड जरूरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फादर्स नेम यहाँ पे है, मदर्स नेम आपको डालने हैं। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन SLC बोर्ड या यहाँ पे सिलेक्ट करके इस पे आपको जो भी है उसको क्लिक करके आपको डालने हैं, या उसके रोल नंबर डालने हैं फ्रेंड्स। अगर रोल नंबर आपको नहीं याद है तो आप लोग एक बार देख लेना, अच्छे से सब लेकर बैठना। उसके बाद जो आपका पास हुए हो वो एग्जाम यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है फ्रेंड्स, कि आपके जो मोबाइल नंबर हमेशा ये जब भी रिक्रूटमेंट जब तक चलता रहेगा तब तक वो ऐसा मोबाइल नंबर आपको रखना है कि वो हो आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स।
फिर आगे देखते हैं, जैसे ही उसके बाद आप लोग करेंगे इस सब फॉर्म को फिल करने के बाद रजिस्टर, नीचे ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, तो उसके बाद आपको एक कैप्चा आएगा, कैप्चे को डालने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो उस तरह से आपके ये नोटिस आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं योर रजिस्ट्रेशन आईडी ये दे दिया गया, योर पासवर्ड आईडी आपको दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, योर रजिस्टर्ड इन दैट फॉर्मेट ये आपको ये दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो आपको ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, देखो आपका ये बता रहा हूं, ये आपका जाएगा ईमेल पे ओटीपी आएगा एक, ठीक है, और जो आप एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पे ओटीपी आएगा। अगर किसी के पास मान लो ईमेल पे नहीं गया है तो वो यहाँ पे क्लिक कर करके देख रहे होंगे आप, क्लिक हेयर करके दिया गया है, इससे आप लोग वो कर लेंगे, क्लिक हेयर करेंगे तो फिर से एक बार ओटीपी आ जाएगा, और इस पे भी नहीं आया होगा मोबाइल पे तो आपको यहाँ से कर लेंगे, और फिर दोनों को फिल करके और ये जो सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे एड लिख करके उसके बाद आपको वैलिडेट करना है, तो आपके वो वैलिडेट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑथराइज हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा इस तरह से कुछ बनकर आ जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिफरेंसेस डिटेल्स, एग्जाम ग्रुप डिटेल्स, फिर एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। देखो ये चार प्रोसेस हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल गया होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल ओनली दो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट नोटिफाइड। देखो यहाँ पे जो भी आपके जो पोस्ट है, पोस्ट हैं जिस बेसिस पे बेस्ड है उसी पोस्ट को आप लोग को चुन करने हैं इसमें से, जैसे कि एसएलसी सर्टिफिकेट में आपका एसएलसी और मैट्रिकुलेशन में है, आपको जो भी इसमें से मैट्रिकुलेशन या एसएलसी है आपको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो डिप्लोमा किए हैं वो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिप्लोमा का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, वो उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन आएगा कि कौन कौन से आप ब्रांच से किए हुए हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्लिक किया सिविल का, तो यहाँ पर सिविल का दिखाने लगेगा, ठीक है, जितने जो डिसिप्लिन होंगे उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आप लोग का इंजीनियरिंग का दिया गया, जो बीटेक से बिलोंग करते हैं इंजीनियरिंग से वहां पे वो भी क्लिक करेंगे, और जो भी है मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है वो सिलेक्ट करेंगे, सिविल है सिविल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन दिया रहेगा, जो भी आप जिस ब्रांच से पास आउट हुए हैं वो उसके बारे में आपको दिया रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डिप्लोमा ही सिलेक्ट होगा, यहाँ पे आपका जो डिग्री में होगा या बीटेक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच रहेगा, यहाँ पे ब्रांच में आपका सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो भी आपके ब्रांच है उस पर बेस्ड रहेगा। फिर देखो यहाँ पे एक और आता है, एक डिपार्टमेंट है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आप ये किए हुए हो तो इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। बीएससी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको करने हैं इसमें से, तो यहाँ पे बीएससी आपके जो क्वालिफिकेशन है, अगर जो बीएससी किए हुए हैं वो बीएससी जो भी जो पोस्ट किया हुआ है उसको सबको डाल दो, वो सब एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं जो किया हुआ है उसको छोड़ दो, आपको वो पोस्ट आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे वहां पे फाइनल समय में। फिर अदर क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके डिसिप्लिन का आप लोग कर देना। फिर नेशनलिटी आपको इंडियन, फिर जो भी कम्युनिटी है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बताता हूँ, एक ओबीसी में खास करके इसको लिया हूँ, ओबीसी में आप अगर नॉन क्रीमी लेयर करते हैं तो आप सिलेक्ट होंगे एज ए ओबीसी के लिए। अगर आप ओबीसी को केवल क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आप यूआर के जैसे ट्रीट किया जाएंगे, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको दिखेगा। फिर आपका नॉन क्रीमी लेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा कहाँ से हैं आप, कास्ट क्या है आपका, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब आपको सिलेक्ट करके डालने होंगे यहाँ पे। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपके जेंडर बताया गया है, आपका रिलीजन यहाँ पे आपको डालना है, आर यू पीडब्ल्यू कैंडिडेट, अगर पीडब्ल्यू डी है आप लोग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो करना है, एक सर्विसमैन है तो यस करना है, इसी तरीके से आप लोग को पूरा इसको फिल करना है। डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर के तो इसको भी करना है, सर्विस सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है तो इसको भी करना है, अगर नहीं है तो नो पे करेंगे। ये सब करने के बाद देखो यहाँ पे लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हुज फैमिली इनकम इज लेस देन रुपीज 50,000, जिनके पापा के इनकम कम है, फैमिली इनकम, वो लोग यहाँ पे यस करेंगे, और जो ज्यादा इनकम वाले हैं वो नो करेंगे, ठीक है। अगर वो यस करेंगे तो उनके जो फॉर्म को जो फिल करना होगा वो 250 करना होगा, और जो यस करेंगे उनको जो फॉर्म फिल करना होगा, सॉरी फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नो करेंगे वो आपके जो फॉर्म फिल करेंगे, फिल करते के समय आपको 500 फॉर्म में लगेंगे, लेकिन आपके 100 रुपीज जो कि काटा जाएगा 400 आपके रिटर्न हो जाएंगे, और इसी तरह से आप अगर यस करते हैं तो आपके 250 फी पेमेंट करने होंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको डालना है और उसके बाद सबमिट बटन करके आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे ही इस तरह से आप आओगे तो जो भी ब्रांच मैंने मान लो आपका सिविल मैंने चूज किया था वहां पे,
तो वहां पे देख सकते हो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और मैंने इलाहाबाद किया था तो आपको पता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो जो वैकेंसी आपका जूनियर इंजीनियर ब्रिज का देखते हुए चार है, इसमें इसमें भी आप लोग बहुत चलाकी से फिल करना है इसको, क्योंकि देखो प्रायोरिटी देना है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा, मान लो मैं ओबीसी में बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ओबीसी में कितने मेरे सीट हैं। तो देखो सबसे ज्यादा ओबीसी में किसमें है, 57 इसमें है। ये क्या है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जूनियर इंजीनियर प्रीवे, इसमें आपका देख सकते हैं कि 117 है यूआर का, अगर जो भी ये है तो सबसे पहले इसको नंबर वन लिखेंगे यहाँ पे प्रिफरेंस में। उसी तरीके से आपको इसको अगर देना है तो देखो ये नंबर टू लिखेंगे, इसको थ्री लिखेंगे, और पूरा उसके अकॉर्डिंग फिल करके 4, 5 जो भी आपका है 6, 7 ऐसे करके फिल करने के बाद यहाँ पे आपका कैप सिक्योरिटी कोड है देख रहे होंगे आप लोग, उसको डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से बन के आएगा आपका कि आप जो जो प्रिफरेंसेस दिए हो, जैसे कि देखो मैंने ये प्रिफरेंसेस दिए हैं तो आप देख सकते हो कैसे प्रिफरेंसेस दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करना है इस बटन को। यहाँ पे आपको बताया रहेगा कि किस किस में आपको चेक करना है, तो करें वेरीफाई एंड क्लिक। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, अगर गलती हो गया हो तो एक बार एडिट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी एडिटिंग के लिए आपको 100 रुपीज लगेगा, ये याद रखना ठीक है। जब तक फॉर्म फिल करोगे जब तक 100 रुपीज आपको करके आपको एडिटिंग करना होगा। फिर यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे आपका जो कि नेम और रजिस्ट्रेशन जो रहेगा, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, प्रिफरेंसेस डिटेल्स हो गए फ्रेंड्स, एग्जाम ग्रुप अब यहाँ पे बता रहा है, तो एग्जाम ग्रुप में मैंने सिविल के सभी चूज किए थे, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि एग्जाम ग्रुप केवल क्लिक करोगे इस पे तो सिविल एंड एलिट इंजीनियरिंग आपको दिखाएगा। और सिक्योरिटी कोड की बात करते हैं तो PQRT यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएंगे आप एडिशनल डिटेल्स में, और उसके बाद क्या है यहाँ पे वेरीफाई एंड क्लिक टू कन्फर्म और इल्स क्लिक ऑन एडिट टू चेंज। अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, Here I declare that I have carefully and correctly filled my exam group and understand that I will not be able to change the exam group after confirmation. तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, एडिटिंग करेंगे, एडिट कर, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो एडिट करेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ के कन्फर्म करेंगे इसको, सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी था ये आपका डन हो जाता है। अब हम आएंगे पेमेंट्स में, पेमेंट्स के बाद एडिशनल डिटेल्स जो होगा वो होगा, और उसके बाद आप लोग प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन का मैं बताता हूँ, आफ्टर फाइनल सबमिशन द एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डन बाय पेइंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ₹100 एंड देन मॉडिफिकेशन बटन विल बी एक्टिवेटेड। आगे 100 रुपीज पे करोगे उसके बाद ही मॉडिफिकेशन बटन को करना है। तो ये सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले श्योर हो जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो देखते हैं पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट में भी कई तरह के मेथड हैं। तो पेमेंट फी पे आप लोग क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फी पे तो कुछ इस तरह से बनकर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैंक या पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा ठीक है। तो आप लोग बैंक करते हैं, पेमेंट टाइप आप लोग बैंक करते हैं। यहाँ पे आपको कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी क्या है, कंडीट्स ए नॉट दैट पेमेंट वंस मेड कैन नॉट बी कैंसिल, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन एंड रिफंड ऑफ मनी विल बी नॉट कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे, यहाँ बैंक चूज करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आपका इस तरह से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग का है यहाँ पे दिया हुआ, फिर कार्ड पेमेंट्स का दिया हुआ है, कार्ड अगर करते हैं अगर स्टेट बैंक का है तो इससे करेंगे, अगर अदर बैंक के हैं तो इससे करेंगे, क्रेडिट कार्ड है जिनका उनको लगेगा चार्जेस लगेगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग के भी SBI और अदर बैंक से भी चार्ज लग रहे हैं। अगर अदर पेमेंट मेथड में है SBI ब्रांच बैंक चार्जेज आपका यहाँ पे है। फिर निफ्टी RTGS करते हैं तो आपके बैंक चार्जेज इसमें भी लगेंगे, UPI करते हैं तो इसमें नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग आजकल UPI यूज करते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके ये आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपका रेफरेंस ID दिखाएगा, पेमेंट मोड दिखाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ID जो है वो दिखाएगा, आपका कार्ड नेम दिखाएगा, आपका जो कि आपका कैंडिडेट्स नेम है, फिर यहाँ पे URL और यहाँ पे अमाउंट दिखाओगे, इसको कन्फर्म करना है फ्रेंड्स और पेमेंट करना है। इस तरह से आप पेमेंट करके आप आगे बढ़ोगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहीं पर जान लो, उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, फोटो सिग्नेचर और जो भी बैंक डिटेल्स जो देने हैं फी रिटर्न होने के, अगर वो होगा तो आप लोग उसको भी सबमिट करोगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसके आगे नहीं बना सकता क्योंकि मैं अभी पेमेंट नहीं किया हूं, पेमेंट करूंगा उसके बाद मैं देखूंगा क्या है आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम हर एक चीज आपको बताते रहेंगे कि कैसा चल रहा है और कैसा अभी फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो आपसे कोशिश यही गुजारिश होगी कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे और उनको भी हेल्प हो जाए कि कैसे फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या जानकारी सबसे पहले रखना है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स एक बार, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उससे जाता रहेगा। फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पर, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें फ्रेंड्स।
थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.